370 हटने के दो साल बाद आज जम्मू कश्मीर को लेकर यह बड़ी बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर पर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बड़ी बैठक दोपहर 3 बजे होगी। केंद्र सरकार ने बैठक का एजेंडा नहीं बताया है, लेकिन इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव करवाने समेत कई मुद्दों पर बात हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास पर यह सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें कश्मीर के 14 बड़े नेता शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बैठक में शामिल होने के लिए कल ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोवल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई में आज दिल्ली में यह सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में, जैसे कि हमने आपको बताया, कश्मीर के 14 बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन बैठक से पहले ही आतंकवादियों की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। 24 घंटे में आतंकियों ने 3 हमलों को अंजाम दिया। सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी मारा गया, लेकिन इस बीच घाटी में 48 घंटे का हाई अलर्ट है। आज भी इंटरनेट सेवा बंद रह सकती है, जबकि LOC पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आज की ये बड़ी खबर, सबकी नजरें इस मीटिंग पर हैं। पीएम मोदी की कश्मीर के नेताओं के साथ ये आज अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक। गृह मंत्री, उपराज्यपाल और NSA भी इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गृह सचिव भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में शांति की पहल के मद्देनजर आज दिल्ली में कश्मीरी नेताओं के साथ पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक है। ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र द्वारा राज्य के नेताओं के साथ संवाद की ये सबसे बड़ी पहल है। काफी नानुकुर के बाद कश्मीरी राजनीतिक दलों के संगठन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD ने पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर नरम रुख दिखाया। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा होगी, लेकिन राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह के पेच भी सामने आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव की संभावनाएं तलाशने की कोशिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने के लिए दबाव बना सकता है। सरकार जम्मू कश्मीर में विकास के एजेंडे पर बात कर सकती है, तो वहीं PAGD के नेता आर्टिकल 370 और 35A की बहाली पर अड़ सकते हैं। सरकार की ओर से 370 हटाए जाने को कश्मीर के लिए असरदार बताया जा सकता है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ये दावा कर सकते हैं कि 370 की बहाली बिना शांति कश्मीर में शांति नामुमकिन है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूती देगी, विधानसभा चुनाव की संभावना भी टटोली जाएगी। इस समय जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया चल रही है, इसे पूरा करने में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी की कोशिश भी होगी। क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग के बिना इसमें दिक्कत आ रही है, ऐसे में ये मीटिंग और भी अहम है। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार के दिग्गज नेताओं के अलावा जम्मू कश्मीर के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बैठक में हिस्सा लेंगी। यही नहीं, कश्मीर BJP के निर्मल सिंह, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, JK अपनी पार्टी से अल्ताफ बुखारी, पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोन और MY तारिगामी CPM की ओर से बैठक में हिस्सा लेंगे। जाहिर है कि पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली आज की बैठक राजनीतिक मायनों में तो खास है ही, इससे कश्मीर का भविष्य भी तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।
तो आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण और इस पर और जानकारी लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे चार सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास से हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर भवन से मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीनगर से खालिद हुसैन को आप देख पा रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला के दिल्ली वाले घर से ब्रह्मप्रकाश दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो रविंद्र कुमार, ये आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ ये प्रधानमंत्री का पहला संवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कश्मीर के भविष्य का रोडमैप और जो राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, क्या इस बैठक से अब नया रास्ता तैयार होगा? बिल्कुल, आप देखिए कि यह सर्वोच्च स्तर पर बैठक बुलाई गई है और जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन के तमाम बड़े नेता इसमें शरीक हो रहे हैं। वहाँ के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, या जो वहाँ के मेन स्ट्रीम की जो पार्टियाँ हैं उनके प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में पिछले दो साल से अगर राजनीतिक अनिश्चितता की बात करें, जैसा कि महबूबा मुफ्ती वगैरह कहती हैं, तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं कोई रोड मैप निकलेगा, क्योंकि सरकार की कोशिश है परिसीमन जो पिछले एक साल से वहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है, एक साल का उसे एक्सटेंशन मिला हुआ है, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, वहाँ से जो नए वोटर लिस्ट है उसे तैयार कर लिया जाए, परिसीमन के बाद और नए वोटर लिस्ट के बाद वहाँ चुनाव कराया जाए, उसके पहले राष्ट्रपति शासन वहाँ से हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास एक रोड मैप है। सवाल है कि क्या महबूबा मुफ्ती जो यहाँ आने से पहले या गुपकार जो लीडर्स हैं वो क्या उस रोड मैप के अनुसार चलेंगे या अपने एजेंडा से चलेंगे। मुमकिन है कि वहाँ पर फिर से आज की बैठक में महबूबा मुफ्ती कम से कम कहा जाए या दूसरे नेता, ये जरूर 370 और 35 ए को हटाने की बात करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जो हमें जानकारी मिल रही है सीधे तौर पर कहा गया है कि 370 और 35 ए ये इतिहास की बात है। चुनाव प्रक्रिया आगे कैसे चले, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वहाँ एक्टिवेट हो, इस पर चर्चा हो सकती है, इस पर आपकी बातें जो होगी, जो सलाह होगा वो सरकार उस पर विचार करेगी। परिसीमन को लेकर जो सरकार की प्रक्रिया है या इलेक्शन कमीशन जो चलाए हुए उस पर आप शामिल होइए जिससे कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए। विकास के जो एजेंडा है वो मनोज सिन्हा जो माना जा रहा है कि इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसमें पिछले दो साल में और उसके पहले के जो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति रही है लद्दाख इंक्लूडिंग, उससे कितना बदलाव हुआ है। सरकार ये जरूर बताएगी कि पिछले दो साल में जो 60 से ज़्यादा वहाँ योजनाएँ लागू की गई है जिसमें 60,000 से ज़्यादा करोड़ रुपये वहाँ इन्वेस्टमेंट के विभिन्न चरणों में है, उससे क्या वहाँ पर विकास हो सकता है। कहीं ना कहीं सरकार का एजेंडा साफ है, परिसीमन, पॉलिटिकल प्रोसेस और विकास के एजेंडा, और इस एजेंडे पर ही महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, सजाद लोन हो, सबको बात करनी होगी। स्टेटहुड की बात है, सीधे प्रधानमंत्री भी हो या गृहमंत्री अमित शाह, सब ने संसद के अंदर कहा है कि उचित समय पर वहाँ पर स्टेटहुड की बात की जा सकती है या उसे रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन सरकार का मानना है पहले वहाँ चुनाव हो उसके बाद ही स्टेटहुड की बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक रोड मैप तैयार होगा, उस रोड मैप से जम्मू कश्मीर का भविष्य भी आगे तय होगा कि जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे इन सभी नेताओं को, चाहे गुपकार गैंग के अलगाववादी नेता हो या फिर आतंकवादी जो वहां पर सक्रिय है, उन सबको इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चलिए मनीष शुक्ला, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जो एक हमें अहम जानकारी मिल रही है, जम्मू में लगातार दूसरे दिन डोगरा फ्रंट ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो महबूबा मुफ्ती जिन्होंने वकालत की कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए इस बैठक में आने से पहले, उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं जम्मू में। ये दूसरा दिन है जब डोगरा फ्रंट ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन किया है और खालिद हमारे साथ हैं इस वक्त। खालिद, ये लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं क्योंकि महबूबा मुफ्ती की मांगी ऐसी कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए और उसी को लेकर ये लोगों में रोष है। देखिए, बिल्कुल, जम्मू में जब से महबूबा मुफ्ती ने, जब पीएजीडी की बैठक थी उसके बाद उनने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स से, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया कि उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, तब से जम्मू में जो डोगरा फ्रंट है वो प्रदर्शन किए हुए हैं महबूबा मुफ्ती के ख़िलाफ़। और उनका ये भी था कि महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान की बात करती है उसको बैठक में क्यों बुलाया गया है, तो ये रोष जो है वहाँ से लगातार जम्मू से चल रहा है। लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ अभी मैं फारूक अब्दुल्ला का जो निवास
है वहाँ से फारूक अब्दुल्ला नहीं निकले हैं और कुछ ही क्षण में वो वहाँ से निकलेंगे और दिल्ली की तरह रवाना होंगे। वो वाहिद नेता हैं जो अभी कश्मीर में हैं, बाकी सब नेता जिन्हें बैठक करनी है प्रधानमंत्री से वो दिल्ली पहुँच चुके हैं, चाहे फिर वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो या फिर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो। निसंदेह में आपको मैं ऐसा बता दूँ, ये जो बैठक है इसको काफ़ी महत्वपूर्ण निगाहों से देखा जा रहा है, क्योंकि दो साल से जो राजनीतिक गतिरोध जम्मू कश्मीर में चल रहा है और अक्सर यही नेता जिनको बैठक में बुलाया गया है उनका ये रोष रहा है कि यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम को डिफंड किया गया है। आज उसी पॉलिटिकल सिस्टम को फिर से अलाइव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया है और उसी के लिए उनको बुलाया गया है। हालांकि पहले हाँ ना की बड़ी अड़चनें इस गुट में रही हैं, खासकर अगर हम पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें, जिन्होंने इसका गठन ही इसलिए किया था कि 370 और 35A की बहाली का नारा लगाकर जब DDC के चुनाव थे तो उन्होंने कहा था कि तब तक कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन आज इनको उस नारे को एक तरफ रख के प्रधानमंत्री के बुलावे पे जाना पड़ा। लेकिन इनका ये कहना है कि जो एजेंडा है मीटिंग का वो सार्वजनिक नहीं है, बैठक में खुले दिल से प्रधानमंत्री ने बुलाया है और हम अपनी जो बात है वो वहाँ पे रखेंगे। और मैं आपको बता दूँ, फारूक अब्दुल्ला जो है अभी अपने निवास से निकल चुके हैं और कुछ ही क्षण में वो एयरपोर्ट होंगे और गो एयर की फ़्लाइट से वो 11 बजे की फ़्लाइट यहाँ बोर्ड करके 12:30 के आसपास दिल्ली में पहुँच जाएंगे। ये एक जानकारी मैं अभी आपको देना चाहता था जो अभी अपडेट मुझे मिला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इस बैठक से काफ़ी आम लोगों को भी आशा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम दो साल से यहाँ नहीं था, ब्यूरोक्रेसी ही हर तरफ देखने को मिल रही थी, तो उससे एक आम आदमी जिसकी अप्रोच एक पॉलिटिकल व्यक्ति तक रहती है किसी भी जगह पे, चाहे जम्मू कश्मीर हो या अन्य कोई राज्य हो, तो एक आम व्यक्ति की पॉलिटिकल व्यक्ति तक अप्रोच रहती है, वो अप्रोच उसकी ख़त्म हो गई थी और ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं उसको जो है बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जो डेवलपमेंट है उसका एक रोड मैप पहले दो सालों से ही यहाँ चल रहा है, उस डेवलपमेंट को जो है पूरी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस का भी होना ज़रूरी है और शायद यही बात है कि आज प्रधानमंत्री, गृहमंत्री दोनों यहाँ के सभी जो टॉप लीडर्स हैं उनसे बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, कई दिग्गज नेता हैं, उनसे बात करके एक रोड मैप तलाशने की कोशिश की जाएगी। जो डेवलपमेंट ऑलरेडी यहाँ पर इनिशिएट की गई है उसको एक पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए कैसे आम लोगों तक पहुँचा जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी अगर हम बात करें तो वो ग्रास रूट लेवल तक टच करती है, जो ज़मीनी सतह पर लोग जुड़े हैं उन तक भी पहुँचती है। एक पार्टी का वर्कर होता है, उसका नेता होता है, वो ज़मीन से जुड़ा होता है, तो उन सब क्षण को जोड़कर ये डेवलपमेंट नीचे तक पहुंचाने की एक कोशिश है। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम रिवाइव होता है और अगर इस बैठक में अड़चने नहीं होती है, जो रोड मैप वहाँ तय होकर कुछ निकलता है, तो निस्संदेह ही मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं एक अच्छा समय जो है देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है अब उसका रिवाइवल किस तरह से किया जाए, और इसी में बहुत ही अहम स्टेप है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, और डीलिमिटेशन कमीशन की वहां पर कई बैठकें हो चुकी है मनीष शुक्ला, और इस डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए ही अब एक रिपोर्ट भी पेश की जानी है, क्योंकि जो रीड्रॉइंग होती है सारी बाउंड्रीज की, जो कि विधानसभा की सीट है, लोकसभा की सीट है, ये जो एक्सरसाइज है इसको एक पॉलिटिकल सैंक्शन मिले। अब प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि जो कुछ वहां पर हो उसमें राजनीतिक दलों की रजामंदी होनी चाहिए, सब कुछ कंसेंसस हो, और इसी वजह से ये आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें डीलिमिटेशन को लेकर चर्चा होगी, विधानसभा चुनाव आगे कैसे कराए जाएं इसको लेकर चर्चा होगी। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एक लंबे समय से डिमांड थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कश्मीर जब भी इलेक्शन होते थे, जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, तो वहाँ पर कश्मीर का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता था विधानसभा में और जम्मू का कम होता था, और इसलिए जो CM था वो कश्मीर का ही बनता था और कश्मीर की ही बात सुनी जाती थी और जम्मू के लोग उपेक्षित फील करते थे। ये जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग समय पर की जाती है और काफ़ी दिनों से ये कश्मीर में पेंडिंग थी, तो ये कोशिश हो रही है कि इसके ज़रिए सभी को बराबर, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, कोई उपेक्षित फील ना करे। तो जाहिर तौर पर आज जो बैठक होनी है, जैसा रविंदर जी भी काफ़ी बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर रहे थे, कि जब से हमने अगस्त 5 से आर्टिकल 370 को रिमूव किया, हटाया, उसके बाद से कोई हमने पॉलिटिकल जो लीडर्स थे कश्मीर के उनको इंगेज नहीं किया टॉक्स में, और इस वजह से ये कहा जा रहा था कि गलत मैसेज जा रहा था, और ये कोशिश है
कि जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले अगर जिस तरीके सरकार ने स्टेटहुड का प्रॉमिस किया हुआ है तो उसकी ये प्रक्रिया मानी जाएगी। लेकिन मीमांसा, एक दूसरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखना होगा कि इंटरनेशनली पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया हुआ था भारत के खिलाफ, वो लगातार हर फोरम पे जा रहे थे, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो चाहे अमेरिका हो, और ये कह रहे थे कि जो कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, उनको दबा के रखा गया है, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय है। ये जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से, ये ब्रेक करने की ज़रूरत थी। ये अलग बात है, देखिए इस वक्त हम जम्मू कश्मीर भवन में हैं, महबूबा मुफ्ती इसी भवन के अंदर है। भले ही महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का राग अलापती हो, और लेकिन किसी एक के इस तरीके से बात कहने से हम कोई डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो हमें संविधान के जरिए जो एक राइट मिला हुआ है, उससे लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता है। ये अलग बात है, और ये पहली बार नहीं है कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की बात कर रही हैं, ये बहुत पहले से उनकी पूरा जो वो उनके अंदर जो ग्राउंड खो दिया है कश्मीर के अंदर, जब वो मुख्यमंत्री कुछ साल पहले तक थी, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी उनके क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, क्योंकि वो लोगों के लिए उनके डेवलपमेंट से अगर देखा जाए तो काफ़ी काम नहीं हो रहा था। तो वो जो ग्राउंड है वो जो खो चुके हैं, उसको वो हासिल करने के लिए वो बार बार ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन आज की जो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि आज इससे एक रोड मैप तैयार होगा। मैं ये भी कहूँ कि बहुत सी बातें सभी पॉलिटिकल लीडर्स को ओपन में डिस्कस नहीं की जाएंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ होंगी जो प्रधानमंत्री सरप्राइज भी करते हैं। लेकिन ये एक अच्छा मैसेज है, और सबके अपने अपने इश्यूज हो सकते हैं। जो बात आपने कही कि जो एंटी इंडिया नैरेटिव, आप इसको ब्रेक करना भी बहुत जरूरी है, और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक मैसेज देना बहुत जरूरी है कि किस तरह से लोकतंत्र की जो बहाली है वो जम्मू कश्मीर में शुरू कर दी गई है। जिस तरह से पहले भी ये बात कही जाती रही है कि अपने विधायक होने चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए राज्य का, और इसको लेकर ये चर्चा होनी है, और इस लिहाज से ये बैठक आज की बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कश्मीर के भविष्य का रोड मैप इस बैठक में तैयार होना है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।